आप सबों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो ही जाके आपके मन में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उसका समाधान मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से ईयरफोन लगा के देखें, सुने, ताकि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आए उसका समाधान मिले, उसका सॉल्यूशन मिले। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट होते हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट होते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर कमेंट करें, आप मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर दूं। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है आपको पूरा अंत तक। मारुति सर आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर आ रहा है सर, कीजिए। आ रहे हैं सर जी, ओके ओके ओके, कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों वेलकम वंस अगेन, मेरी आवाज तो क्लियर है इसलिए मैं अभी किसी को पूछूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है मीटिंग 10 मिनट पहले। तो हम यहाँ पे 8 बजे तक ये मीटिंग करेंगे दोस्तों, एक 45 मिनट का सेशन रहेगा। हमको इमीडिएटली क्या करना है, कैसे करना है या कंपनी क्या है, इसके बारे में हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे दोस्तों। देखो कंपनी का बहुत बड़ा मकसद है कि वो एक कंपनी ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में और एप्लीकेशन बेस में काम करती है। ऑस्मोस टेक्नोलॉजी ये जो है ये कंपनी प्रमोशन करती है दोस्तों। अपने को प्रमोशंस करना है, यानी कि एक थीम होती है, एक आइडियोलॉजी होती है और ये हर जगह पे चलती है दोस्तों, क्योंकि आइडियोलॉजी से ही आज की दुनिया बहुत आगे चली गई है दोस्तों। बहुत से लोगों ने भी सोचा भी नहीं था कि चांद पे भी जाके लोग जमीन परचेस करेंगे और अभी उसका व्यवहार भी चालू हो चुका है दोस्तों। यानी कि हम वहां पे नहीं गए हैं लेकिन वहां पे जो प्लानिंग किस कंपनी ने किया है तो वहां पे अभी वो जमीन, चांद की भी जमीन अभी परचेस भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं सर। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि विदाउट ड्राइवर की गाड़ी भी आ सकती है और आज वो दुबई में स्टार्ट हो गया है दोस्तों कि विदाउट ड्राइवर की गाड़ियां आज मार्केट में घूमने लगी है दोस्तों। आगे जाके आपको भी पता होगा दोस्तों कि अपने को एयर जो है ऑक्सीजन भी आपको परचेस करना पड़ेगा क्या, तो सही है दोस्तों। एक साल पहले कोरोना के टाइम पे हमको घर में अपने को फिल्टर लगाना पड़ रहा है कि भाई एक प्योर ऑक्सीजन हमको मिले, यानी कि कुछ भी हो सकता है लेकिन इसके ऊपर आदमी जो है वो तोड़गा निकालता है, कुछ आइडियाज लगाता है और उसका सॉल्यूशन निकाल के आपके सामने रखता है दोस्तों। तो ऐसी एक आइडियोलॉजी इस कंपनी ने यहाँ पे डेवलप की है और ये आइडियोलॉजी क्या है वो हम समझ के लेंगे दोस्तों कि इस आइडियोलॉजी से हम सब लोग घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। एक सिंपल सी आइडियोलॉजी है, इसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है, कहां कहां पे किया जाता है, कैसे किया जाता है और उसके पीछे कितना पैसा खर्च किया जाता है दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि हम जैसे रास्ते पे चले जाते हैं तो सामने जैसे सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो सामने एक बोर्ड दिखता है, बहुत से बोर्ड दिखते हैं, एक नहीं दिखता है दोस्तों। जैसे सिग्नल के सामने हम खड़े रहते हैं तो कम से कम 10-12 बोर्ड आपको आजू बाजू में दिख जाएंगे। क्यों वहां पे क्यों लगाए जाते हैं, इसके पीछे एक ही रीजन है कि आदमी जहां पे भी खड़ा होता है एक दो मिनट के लिए तो उसके सामने उस प्रोडक्ट का ऐड किया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट आज मार्केट में नया आया है, आप उसको यूज कर सकते हो। लोग भी इमीडिएटली फोटो निकालते हैं, पढ़ते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर का फोटो निकाल के फिर बाद में कॉन्टेक्ट करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि दुनिया को आगे जाने के लिए दोस्तों एक ही रास्ता है, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि लोगों तक पहुंचाने का एक ही रास्ता है और वो है अपना डिजिटल मार्केटिंग। और ये डिजिटल मार्केटिंग का ही आज जमाना है दोस्तों कि हम आज घर बैठे बैठे जो चीज चाहिए हम वो अपने एप्लीकेशन से, आपके मोबाइल से हम चीज परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। किसी को पेमेंट भेजना है, किसी से लेना है तो हम मोबाइल से ही करते हैं। अभी आज हम घर नहीं छोड़ रहे दोस्तों, हम यहाँ पे बैठे बैठे ही कर रहे हैं। आज की तारीख में बहुत से घर में अभी जो झाड़ू पोछा करने के लिए भी अभी रोबोट बना रहे दोस्तों। आगे जाके बहुत से लोगों के जिंदगी में जो जॉब जो है दोस्तों वो निकल जाएगा और यही रोबोट जो है वो इस सब का जगह लेने वाला है। वहां पे अभी आदमी काम नहीं करेंगे, अभी इंटेलिजेंसी ब्यूरो काम करेगी, आईटी काम करेगी दोस्तों। और इसका ही आगे जाके
बहुत बड़ा जमाना आने वाला है, तो हमको इस जमाने के साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो है दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। अब इस एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है, खर्चा किया जाता है, वो कहां से किया जाता है, किसी को मालूम है दोस्तों? जिस प्रोडक्ट के हम एड देखते हैं और वही प्रोडक्ट हम जैसे ही परचेस करने जाते हैं, तो उसका कुछ मूल्य देना पड़ता है, जिसको हम एमआरपी कहते हैं। और वही एमआरपी जो रहती है दोस्तों, उस एमआरपी पे मैक्सिमम या मिनिमम पकड़ो कम से कम 30% एडवर्टाइजमेंट का फंड ऐड किया जाता है। यानी जो भी एंड यूजर है, एंड यूजर के जेब में से ही वो एडवर्टाइजमेंट का फंड निकाला जाता है दोस्तों, और वही इन लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। अभी पहला नंबर का जो फंड है दोस्तों, वो हम देख सकते हैं कि शेयर मार्केट। क्या बहुत सी बड़ी प्रमोशन भी करना है, समझो मैं उसका प्रमोशन करता हूं, तो जो फंड एडवर्टाइजमेंट के लिए बाजू रख दिया है, वो क्यों ना हम लोगों में बांट दिया जाए? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि आज टीवी पे ऊपर देखते जा रहा, या हम अभी पेपर पे देखते हैं, रेडियो पे देखते हैं। अभी एड कहां पे चलती है? कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, यानी कि आपने मोबाइल के ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करते हो, तो वहां पे एड आना चालू हो चुका है दोस्तों। इसके कारण क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़, अभी घर बैठे बैठे लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे, बराबर है? टीवी नहीं देख रहे दोस्तों, न्यूज़पेपर नहीं देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक अपने मोबाइल के ऊपर ही आज गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फेसबुक यूज करना है, इंस्टाग्राम यूज करना है, यूट्यूब यूज करना है, या रील्स देखना है, यहाँ पे अपना ज्यादा टाइम चला जाता है। तो लोगों का भीड़ अभी वहां पे आ गया है, इसलिए एडवर्टाइज कंपनी ने भी यहाँ पे अभी एड करना चालू कर दिया है। तो अभी इसका फायदा होता है कि नहीं दोस्तों? तो बहुत बड़ा फायदा होता है, एडवर्टाइज का पैसा बहुत बड़ा मिलता है। अभी यही कंपनी सोचती है कि जिस एडवर्टाइजमेंट से मुझे पैसे मिलेंगे, जो एडवर्टाइज से मुझे पैसे कमा के दे रहा है, क्यों ना उसको मैं थोड़ा पैसा शेयर कर लूं। तो हम कौन है दोस्तों? हम तो एंड यूजर है, अपने जेब से तो पैसा चला जाता ही जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता, बराबर है? तो हम यहाँ पे कंपनी सोचती है, भाई आप जो मोबाइल यूज करते हो उसके ऊपर हमारा प्रमोशन आप करते हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एड देखनी है, वही एड देखते देखते हमको पैसा मिलेगा, और वही पैसा कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो इसके लिए कंपनी सोचती है कि मैं कुछ आपको घर बैठे बैठे वर्क दूंगा। वर्क यानी कि क्या? कि जो हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, इधर का एड चुरा लिया, इधर का फोटो हमने कॉपी कर दिया, दूसरे ग्रुप में भेज दिया, यही अपना तो काम है। तो यही कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे देख रही है कि भाई यही काम समझो मैं आपको देता हूं, और उस काम का मुझे कंपनी मुझे पैसे देती है, तो मैं करूंगा कि नहीं? क्योंकि इसके लिए कोई टाइम नहीं है, इसके लिए आप जैसे सुबह से शाम तक कभी भी आप वो काम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आधा से एक घंटा आप यहाँ पे काम करोगे दोस्तों। और दूसरा एक बात है दोस्तों, कि यहाँ पे कंपनी ने अपने को अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको खुद को बिजनेसमैन बनाने की यहाँ पे ठान ली है। क्योंकि बिजनेसमैन यानी कि क्या, कि आज लोगों को जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को आज पार्ट टाइम इनकम की बहुत जरूरत है, और वो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटा ऑलरेडी जॉब करते हैं, उनके हाथ में टाइम ज्यादा नहीं है, उनके हाथ में मोबाइल तो जरूर है, 24 घंटे में से 8 घंटा सोते हैं लोग, तो लेकिन 16 घंटे तो मोबाइल के ऊपर ही हम यहाँ पे देखते हैं। चलो उसमें से 8 घंटे हम सर्विस का निकाल देते हैं, तो 8 घंटा तो अपने हाथ में मोबाइल रहता है, कुछ ना कुछ हम सर्च करते रहते हैं, बैठते हैं, गेम खेलते रहते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कुछ ना कुछ अपना चलता है। एक टिंग बज गया तो किसने मैसेज कर दिया क्या, मुझे क्या हो गया, व्हाट्सएप पे नया मैसेज आया क्या, किसने मुझे याद किया है, यानी कि अपना काम धंधा छोड़ के हम पहले मोबाइल के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ आया है तो हम पहले उसको ऊपर ध्यान देते हैं, यानी कि हम इतने उसके अंडर हो चुके हैं दोस्तों। तो क्यों ना इस मोबाइल का यूज करके दोस्तों, एक आधा एक घंटा, 8 घंटे में से समझो 1 घंटा हम यहाँ पे देते हैं, तो कंपनी आपको लाखों रुपए का इनकम सोर्स यहाँ पे बना के दिया है। वो एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है, और वो आप लोगों को समझ के लेना है। इसीलिए आपके फ्रेंड ने यहाँ पे मीटिंग में आपको इनवाइट किया होगा कि भाई देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हम घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। अभी कंपनी सोचती है कि मैं आपको जॉब दे रही हूँ, तो आपसे मुझे पैसे लेने की जरूरत है क्या? इसलिए कंपनी यहाँ पे आपको ये जॉब फ्री में ऑफर कर दिया है कि भाई आप यहाँ पे जब काम करोगे तब मुझे पैसे जनरेट होंगे, उसमें से ही आपको मैं पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं।
इसलिए कंपनी ने ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये सभी के लिए फ्री में ओपन करके दिया है कि भाई आप जैसे ही यहाँ पे जुड़ते हो, कंपनी का दिया हुआ काम आप करते हो, तो कंपनी आपको यहाँ पे पैसे दे सकती है, क्योंकि आपने जो काम किया है उसका बेनिफिट कंपनी को हो जाएगा, तभी उसमें से कंपनी आपको पैसे देगी। तो यहाँ पे पहली एक बात कि ये कंपनी कभी लॉस में नहीं जाएगी। दूसरे एक बात, इसकी कम्युनिटी बहुत बढ़ने वाली है। ये बिजनेस ऐसा होने वाला है दोस्तों कि वर्ल्ड का एक नंबर का बिजनेस एक साल में होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां से जहां से भी लोगों को पैसे मिलते हैं वहां पे लोग काम करना चाहते हैं, और पैसे किसको नहीं चाहिए, सबको पैसे चाहिए दोस्तों। तो आइए शेयर करते हैं दोस्तों, हम स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं मैं, प्लीज अपना अपना स्क्रीन शेयर देख लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो भी प्लेटफॉर्म बनाया गया है एक किस तरह का प्लेटफॉर्म है, और अपने को काम क्या करना है। आपके फ्रेंड को देखो, अभी जैसे मैंने बोला है यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट का एड आ गया दोस्तों। यानी मैं खाली एप्लीकेशन को ओपन भी करता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ जाके भी करता हूँ, तो वहां पे भी एड आ जाता है। अभी फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, इतनी बड़ी एड मार्केट में चल रही है दोस्तों कि अभी उनका सेल चल रहा है, 60%, 70%, 80% तक डिस्काउंट वो दे रहे हैं। अभी क्यों दे रहे हैं दोस्तों, डिस्काउंट क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। अभी आज तक हमको बहुत लोगों ने लूटा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने सोचा है कि भाई आपका जो पैसा है ये कहां से बनता है, ये थीम आपको समझ में आ जाएगी, हम भी यहां से लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको छोटा सा थीम तो यहाँ पे बताया, आइडियोलॉजी कंपनी का बता दिया है कि भाई अभी रियली हम क्या कैसे काम करने वाले हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑस्मो स्पॉन्सर्ड बाय रियल कैश मनी, वेलकम वंस अगेन, सभी लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों आगे जाके बहुत बड़ी हिस्ट्री बनने वाली है। ये हिस्ट्री क्यों बनेगी? क्योंकि हम एक बहुत बड़ा पार्ट बनने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का, कि वहां से ज्यादा पैसा अपने एप्लीकेशन के थ्रू खींचने वाले हैं और हम लोगों में बांटने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? सब्सक्राइबर चाहिए। अपने को कौन चाहिए? यहाँ पे मेंबर्स चाहिए। अपनी कम्युनिटी बढ़ानी है, इसके लिए कंपनी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना दिया है। तो रियल कैश मनी क्या है? ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक वेबसाइट है और वेबसाइट का ही एक एप्लीकेशन यहाँ पे बना के दिया है कंपनी ने, जिसका नाम है रियल कैश मनी। अब ये एप्लीकेशन आपको आपके फ्रेंड के थ्रू एक एपीके फाइल आ गई होगी, उस एपीके फाइल को आपको आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है दोस्तों, उसको इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करने जाओगे आप, तो वहां पे इमीडिएटली गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि अपना जो फोन है टोटली हमने गूगल को ही सौंप दिया है, 90% एप्लीकेशन गूगल के है, कंट्रोल गूगल का है उसके ऊपर। तो ये गूगल पे ना होने की वजह से वहां पे वो हार्मफुल या वो डेंजरस ऐसे लिख के आ सकता है, तो डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि ये लाखों लोगों ने ये एप्लीकेशन अभी तक यूज किया है। ये एप्लीकेशन एक फाइल है, और उसमें हमने क्या किया है, बाकी के एप्लीकेशन को आपको जोड़ के रखा है, और ये एप्लीकेशन आपको जो काम है दोस्तों वो काम रियल में आपको करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ही करना है। ओके, तो जैसे हम इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में जगह देते हैं, अभी पहला एक मैं बात क्लियर करना चाहता हूं, ये ऑनलाइन जमाना है दोस्तों, और ये ऑनलाइन जमाने में आपके पास एक अच्छा टूल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास ये फ्री एप्लीकेशन तो है ही है, आपको क्या करना है फिर, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इसमें है कि आपका एक टूल्स, आपका एक मोबाइल या फिर अच्छा मोबाइल होना चाहिए। बहुत से लोगों के पास, सब लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन वो मोबाइल जो है दोस्तों वो यूज करने के लिए है, यहां से अपने को कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन से आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो थोड़ा स्टैंडर्ड मोबाइल होना बहुत जरूरी है, मिनिमम 4 GB से 8 GB का आपका मोबाइल होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको रिव्यू देने वाले हैं, उसको रीओपन करने वाले हैं, तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होने डाउनलोड करके रखने हैं दोस्तों। बहुत से लोग यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइंट है, उन सब लोगों को भी पता है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद डिलीट नहीं करना है, बहुत से लोगों को ये तकलीफ आ रही है अभी। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा आपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट भी करना है, लेकिन वो आपके मोबाइल के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है। ओके, तो एक अच्छा खासा आपने को मोबाइल होना जरूरी है, और वहां पे आपको इस एप्लीकेशन को जगह देना है, बाकी के एप्लीकेशन जो आपको रहने हैं यानी कि आपको यूज होते हैं वही एप्लीकेशन रखिए दोस्तों, बाकी के आप डिलीट कर सकते हो, मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लगा
कि भाई इस एप्लीकेशन से मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसको डिलीट कर लो, और जिस एप्लीकेशन से आपको पैसे मिलने वाले हैं उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में जगह दे दो दोस्तों, क्योंकि क्या है आपका एप्लीकेशन ही आपको पैसे कमा के देने वाला है। तो रियल कैश मनी जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वहां पे वो इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल होने के बाद आपका ये जो काम करते हैं वो काम का पैसा भी कंपनी आपको यूपीआई से देती है, बैंक ट्रांसफर से देने वाली है, इसलिए आपको आपके बैंक में आपके यूपीआई में गूगल पे फोन पे पेटीएम पे जो मोबाइल रजिस्टर्ड है वही मोबाइल से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ना कि जो मोबाइल कहां पे भी कनेक्टेड नहीं है उसको यहाँ पे रजिस्टर मत कीजिए दोस्तों। आगे जाके वो वेरीफाई होने के बाद ही आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। तो पहली एक बात ऐसी है कि यहाँ पे हमने जैसे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया है रियल कैश मनी, अभी उसको आपको रजिस्टर करना है तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर करना है जो आपके बैंक में कनेक्टेड है। जैसे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो जिस फ्रेंड ने भी आपको ये लिंक भेजी है दोस्तों, पहला सर्च कीजिए कि मुझे मेरे सीनियर कितना सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपको लाखों रुपए मिलने वाले हैं। तो आपका सीनियर एक बहुत बड़ा गुरु रहता है दोस्तों, कि वहां से आपको इंफॉर्मेशन आना बहुत जरूरी रहता है। तो मैं आप सभी को लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्वाइनिंग से पहले अपना सीनियर कितना स्ट्रांग है, वो कितना मुझे सर्विस दे सकता है, उसके साथ ही जुड़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये लाइफ टाइम का मामला है। अभी शादी जब हम करते हैं तो हम ढूंढ ढूंढ के या उनको इंक्वायरी करके ही देखते हैं, कि एक बार शादी होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि जैसे ही ये शादी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आपका सीनियर भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन रखे और अपने टीम को सपोर्ट करना वाला एप्लीकेशन सीनियर आप ढूंढ ले दीजिए दोस्तों। बहुत को लोगों की गलती गालियां मैं सुन रहा हूं, क्योंकि सर बहुत से लोगों ने अभी तक हमारा सीनियर फोन ही नहीं उठा रहा है, वो अभी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन तो जुड़ तो चले गए दोस्तों। तो दोस्तों उनको भी पैसा नहीं मिलेगा और आप भी डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा। जो ये अच्छी तरह से कर पाएगा दोस्तों, यही 1 करोड़ रुपए दिन का भी कमा सकता है, इतनी बड़ी ताकत इस प्लेटफॉर्म के अंदर है दोस्तों। तो जोड़ने से पहले एक बार सोच लीजिए कि भाई मेरे को कौन सी अच्छी सर्विस देने वाला है, उसके साथ ही जोड़ने की कोशिश कर लीजिए। भले उससे वो पूछो उसको कि आप काम कर रहे हो क्या, आपकी टीम कितनी बन गई है, आप मुझे सपोर्ट करोगे क्या, ऐसा ऐसा मैं प्लेटफॉर्म मैंने सुना है, मैं जुड़ना चाहता हूँ, और जैसे ही जुड़ता हूँ तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ये ठनकवा के उससे लिख के ले लो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक बार चेंज नहीं होगा, लेकिन आगे जाके कंपनी इसके भी बारे में सोच रही है कि जो सर्विस नहीं दे पा रहा है उनकी आईडी ऑटोमेटिकली लोगों से नीचे से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके जूनियर से, कि भाई मुझे ये सर्विस नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सिखा नहीं रहा है, मुझे बता नहीं रहा है, तो दोस्तों उसको पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं है, उसको बीच में हटा दिया जाएगा, ऐसे भी हो सकता है आगे। ओके, तो दोस्तों पहले ही मैं सोच रहा हूं कि जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से पहले ये बिजनेस को प्लेटफॉर्म को समझे, अपने को लर्न करना है और उसके साथ लोगों को भी सिखाना है दोस्तों। बिजनेस बहुत इजी है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको बहुत हार्ड करके छोड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितना इजी है यही मैं बता रहा हूं कि भाई हमने तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख दिया, अभी रजिस्टर भी कर दिया, आपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उससे भी लॉगिन करवा दिया है, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे खुल जाएगा तो आपको कंपनी की तरफ से ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको सामने से दिख जाए कि यहाँ पे 3 पॉकेट्स है, एक पॉकेट में है 10,000 पॉइंट, यहाँ पे इंस्टॉल एंड सर्च करके आया है, उसके बाद वहां पे है रिव्यू का है दोस्तों, वहां पे 1,00,000 पॉइंट्स है, और 3rd पॉकेट में अभी अपने को कुछ एप्लीकेशन डालने हैं, वो आगे जाके आपको कि काम आने वाले हैं। तो एक एक हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे ही कंपनी ने सोचा है कि आप जैसे जुड़ते हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कंपनी वर्क फ्रॉम होम का पैसा पहले देते हैं, यानी कि सेल्फ अर्निंग जिसको हम कहते हैं, ये सेल्फ अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, कि भाई आप कंपनी का जो दिया हुआ काम है एप्लीकेशन को ढूंढ के वहां पे अपने मोबाइल में उसको जगह देना है, हर एक एप्लीकेशन आपको कुछ पैसे देने वाला है, तो हमको ये एप्लीकेशन यहाँ पे रखने हैं जो हमको पैसे देने वाले हैं। ओके, तो
पहला काम भी है आपके कंपनी देने की सेल्फ अर्निंग। अभी सेल्फ अर्निंग में कंपनी ने अभी तक तीन अपने को ये दिया है, तीन अर्निंग यहाँ पे दिया है। एक अर्निंग ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का पैसा मिलता है, एप्लीकेशन हमको डाउनलोड करने का पैसा मिलता है। अभी तक हमने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हो, भीम ऐप हो, या फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, इतने एप्लीकेशन हमने अपने फ्रेंड के थ्रू अपने मोबाइल में उसको जगह दे दिया है, ओके बराबर है। लेकिन कोई एप्लीकेशन आपने को पैसे कमा के दिया है क्या? हाँ, जो बैंकिंग एप्लीकेशन है यानी कि गूगल पे, फोन पे, उन्होंने अभी तक आपको रेफरल अर्न का अभी भी उनका प्लानिंग चालू है कि आप किसी को प्रमोट करते हो उस एप्लीकेशन को, तो उससे आपको 20 रुपए 25 रुपए वन टाइम आपको इनकम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और एक अजूबा है दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो अर्निंग आने वाला है, ये बिजनेस प्लान जो है वो कंपनी का कंपाउंड इंटरेस्ट बिजनेस प्लान है, यानी चक्रवाद ब्याज जैसा है, ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे दोस्तों, लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर दोगे, तो ऑटोमेटिक ये इनकम आपका रोज को रोज बढ़ने वाला है, लाइफ टाइम तक ये बढ़ता ही चला जाएगा, कम नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे दूसरा इनकम कंपनी की तरफ से दिया है कि रेफरल इनकम भी दिया है, ओके। तो फर्स्ट इनकम जो है सेल्फ इनकम, इसमें मैंने आपको तीन पार्ट बता रहा हूं कि पहला है डाउनलोड करने का इनकम आपको मिलेगा, उसके बाद वहां पे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का कहां से आता है रिव्यू, तो कंपनी चाहती है कि उस एप्लीकेशन को आपको कम से कम ओपन करके एक 10-12 पेजेस को विजिट करना है, वहां पे एड कलेक्ट करना है, यानी कि एड ऑटोमेटिक आता है दोस्तों, तो उस एड का पैसा कंपनी को मिलता है, तो आपको रीओपन का भी कंपनी अलग से पैसे देने वाली है। यानी यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर दिया, उसका पैसा मिल गया, उसके बाद उसको हमने रीओपन कर दिया, यानी कि वहां पे हम जाके 1-2-3 मिनट हम वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों, तो ऑटोमेटिक वहां से भी आपको कंपनी पेमेंट देती है। और थर्ड, जिस एप्लीकेशन को और प्रमोट करना है, इसके लिए रेटिंग रहता है, 5-स्टार रेटिंग हम देते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स उसके बाद लिख देते हैं, तो रिव्यू का भी कंपनी आपको अलग से पैसे देती है। और उसके बाद में आने वाला है दोस्तों कि जैसे कि उस एप्लीकेशन को आपको प्रमोशन करना है, तो हम उसको फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर उसको प्रमोशन कर सकते हैं, उसका भी पैसा कंपनी आपको अलग से देने वाली है। उसके बाद दोस्तों बहुत से अभी ऐसे एप्लीकेशन आने वाले हैं या आपको काम आने वाले घर बैठे बैठे कि भाई आपको रिव्यू करना है, कोई कंपनी आपको सर्वे का काम आ सकता है आप। उसके बाद दोस्तों हमको वीडियो देखने हैं, गेम खेलने हैं, हम गेम खेलने से भी पैसे कमा सकते हैं, रेफर करने से भी पैसे कमा सकते हैं। तो आगे जाके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों, और हम इसके प्लेटफॉर्म के अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि अभी दिवाली दशहरा आ रही है, कि बहुत से अमेजोन वगैरह जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बहुत अभी सेल चल रहा है, तो हम आगे जाके ये एप्लीकेशन भी ऑनलाइन यहाँ पे लाने वाले हैं कि भाई जो भी ऑनलाइन आप यहाँ पे स्विगी हो या जोमेटो हो या आपका ओला उबर हो, ऐसे जो एप्लीकेशन आज की तारीख में मार्केट में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर लेते हैं, या ऑल इन वर्ल्ड से जितने भी सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन से, वो आपके एक छत के नीचे मिलने वाले हैं दोस्तों, कि आपने एप्लीकेशन के थ्रू आप जो भी आज की तारीख में भारत के एप्लीकेशन के थ्रू करते हो, वो अपने एप्लीकेशन के थ्रू करवाते हो, तो उसमें मिलने वाला प्रॉफिट भी आपको अलग रहेगा और वो रिपर्चेस में भी आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा टारगेट लेके कंपनी यहाँ पे चल रही है कि आगे जाके जिसके पास ज्यादा कम्युनिटी रहेगी, वो सभी ये एप्लीकेशन यूज करके दोस्तों, जो भी आज आप मार्केट में यूज कर रहे हैं, वही एप्लीकेशन ही आपके रहेंगे, ब्रांड वही रहेगा, अमेजोन ही रहेगा, फ्लिपकार्ट ही रहेगा, ओला उबर ही रहेगा, लेकिन थ्रू अपने एप्लीकेशन के थ्रू आप अंदर वहां पे घुस जाते हो, वहां से कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, तो होने वाला मुनाफा जो है कंपनी का, वो आपके साथ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो दोस्तों ये आगे जाके का प्लानिंग है, तो इसके लिए पहला कम्युनिटी बहुत जरूरी होती है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई हम आपका प्रोडक्ट आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास कम्युनिटी कितनी है? तो उनको कम से कम 1-2 करोड़ की कम्युनिटी होनी जरूरी होती है, तभी वो अच्छा खासा डिस्काउंट आपने को देते हैं दोस्तों। तो हम अभी पहला अपना काम है 2-4 महीने के अंदर आपको 1 करोड़ की कम्युनिटी कंप्लीट करवानी है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये एप्लीकेशन का मैंने आपको काम बता दिया है कि भाई ये एप्लीकेशन जो है या आपको इसी तरह से आपको कंपनी की तरफ से पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ये मैंने अर्निंग बता दिया है कि भाई ये विड्रॉल आप लगा सकते हो, इंस्टेंट विड्रॉल यहाँ पे है, पेटीएम के थ्रू विड्रॉल है, गूगल पे, फोन पे के थ्रू विड्रॉल है, आगे जाके 1-2 दिन में अभी बैंकिंग विड्रॉल भी आने वाली है, उसके बाद हमारा
क्यूआर कोड की यानी कि खुद का ही यूपीआई आने वाला है दोस्तों, उससे भी हम विड्रॉल दे सकते हैं। दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना कंपनी का काम चालू है तो उनको विड्रॉल भी हम डॉलर के थ्रू देने वाले हैं, तो वो भी एप्लीकेशन अभी अपना रेडी है दोस्तों, लॉन्चिंग हो जाएगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, बता दिया है। अभी कंपनी के बारे में हम सोचते हैं कि कंपनी टास्क कहां से करती है, क्या करती है। मैंने पहले बताया कि ये कंपनी जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है, एक एप्लीकेशन बनाती है। अभी एप्लीकेशन बनने के बाद दोस्तों अभी अपने को उसका प्रमोशन भी करना है, इसका भी कंपनी ने जिम्मेदारी उठाई है। और ये एप्लीकेशन आपको प्रमोट कैसे करना है, इसलिए हम लोगों को ये एप्लीकेशन का डाउनलोड करने से आपको कंपनी प्रमोशन का पैसा देती है। ओके, यानी वो प्रमोशन का पैसा एप्लीकेशन से लेती है और आपने को देती है दोस्तों। उसके साथ और एक इनकम कंपनी का होता है, वो है एडवर्टाइजमेंट का थ्रू बनाना इनकम भी कंपनी अपने साथ शेयर कर लेती है। ओके, तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत से एप्लीकेशन खुद के बनाए हुए हैं और वो उस एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे तैयार है भाई, अपने मोबाइल के थ्रू अपने को करना है। तो ये एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या करना है, तो दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत से लोगों को ये एप्लीकेशन आए हैं ओपन करने के लिए। अभी कंपनी 40 दिन हो चुके हैं दोस्तों, 40 दिन में कम से कम 450 एप्लीकेशन कंपनी ने फर्स्ट लॉट अभी मार्केट में छोड़ा था। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, तो वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अभी डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ कि कंपनी को रेवेन्यू कहां से जनरेट हो जाता है। सर्चिंग से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन का नाम आपको बता देते हैं तो आप डायरेक्टली जाते हो तो प्ले स्टोर के ऊपर आप उसी एक एप्लीकेशन का नाम डालते हो तो वही एप्लीकेशन आपको ऊपर मिल जाएगा। बराबर है, आप डाउनलोड करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सर्च करके ऊपर आ जाता है। जैसे दोस्तों कि कोई भी चीज हम सर्च करके ऊपर आते हैं तो उसको रिव्यू ज्यादा से ज्यादा मिल जाते हैं, उस एप्लीकेशन का डिमांड बन जाता है और उस डिमांड से दोस्तों वो एप्लीकेशन पहले नंबर पे आ जाता है, तो मैक्सिमम ज्यादा बेनिफिट उस कंपनी को होता है। तो ये कंपनी का एक थोड़ा सा एक व्यू है कि भाई हम आपको एप्लीकेशन का नाम नहीं देंगे, हम आपको उस एप्लीकेशन के कंटेंट्स दे देंगे, यानी उस एप्लीकेशन में क्या क्या है उसका एक 4-5 कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो किया जाएगा कि भाई वो कंटेंट्स आपको सर्च करने हैं। भले अभी मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ, समझो आपको एक मोबाइल लेना है दोस्तों। अभी मार्केट में 10-12 कंपनियां है अलग अलग मोबाइल की, बराबर है। अभी आपको मोबाइल लेना है लेकिन आपको किसी का ही मोबाइल का एप्लीकेशन का नाम मालूम नहीं है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके खाली वो मोबाइल अपने चाहिए, एक मोबाइल आप खाली आप हैंडसेट डाल सकते हो, मोबाइल डाल सकते हो, 4 GB 60 MB रैम का मुझे मोबाइल चाहिए, ऐसे सर्च में आप डालते हो तो उसके अगेंस्ट में बहुत से एप्लीकेशन वहां पे खुल जाते हैं, बराबर। अलग अलग आप कंपनी के रहेंगे वहां पे, ओप्पो भी रहेगा और सैमसंग रहेगा, बराबर। ये बहुत से एप्लीकेशन वहां पे कंपनी के नाम से वहां पे खुल जाएंगे, उसमें से हम सर्च करेंगे कि भाई मुझे ये रैम का और इसका मुझे जीबी का मोबाइल चाहिए, तो अलग से फिल्टर करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सर्च किए जाते हैं। तो जितने हम सर्च करते हैं ना दोस्तों, उतना उस एप्लीकेशन का वैल्यू बढ़ता चला जाता है और आपको जो चाहिए वो हम सर्च करके ऊपर लाते हैं तो वो हर एक आदमी वही सर्च मारता है तो ऑटोमेटिकली वह पहले पैनल पे आ जाता है और वहां पे ऐड आना चालू ज्यादा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, आप लोगों को थोड़ा सर्च इंजन डालने की कोशिश यहाँ पे की है कि भाई आपको एप्लीकेशन तो मिलेंगे और आपको एक आसान कर दिया है यहाँ पे कि उस एप्लीकेशन का सिंबल आपके सामने रख दिया है दोस्तों, यानी कि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। तो हमको क्या करना है कि उस एप्लीकेशन के सामने जो कंटेंट्स है, यानी कि आपको मोर इन्फॉर्मेशन पे हम जैसे ही चले जाते हैं तो वहां पे आपको कंटेंट्स दिख जाएंगे। उस कंटेंट में से आपको एक दो कंटेंट्स आप खाली गूगल प्ले स्टोर पे डाल देते हो, सर्च करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको बहुत से एप्लीकेशन वहां पे खुल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फिर आपको खाली वो जो सिंबल दिया गया है, क्योंकि वो कंपनी का सिंबल है, अपने कंपनी का एप्लीकेशन है, वो सिंबल को ही आपको उस जो लिस्ट में आपको मैच करना है और वो मैच करके ही वही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो बहुत से लोगों को पता है कि भाई एक एप्लीकेशन में बहुत से अलग अलग कंटेंट्स रहते हैं। तो कंटेंट्स यानी कि क्या, अभी समझो आपको कार चाहिए तो कंपनी ने बोला है कि भाई फोर व्हीलर का एक टायर है, फोर व्हीलर का एक हॉर्न है, फोर व्हीलर का कुछ ऐसा
पार्ट्स बहुत होते हैं, एक गाड़ी के पार्ट्स बहुत हो देते हैं, मोबाइल के पार्ट्स बहुत हो देते हैं, बराबर है। लेकिन आपको जो चाहिए वो सर्च करने के लिए आपको वहां पे कंटेंट्स दिए गए हैं, तो उस कंटेंट में से ये वो एप्लीकेशन वहां पे पड़ा हुआ है, आपको खाली वो कंटेंट्स यूज करके सर्च में जाके दोस्तों आपको वो एप्लीकेशन का जो सिंबल दिया है वो मैच करके उसको ही डाउनलोड करना है। तो कंपनी ने आपको अभी 850 पॉइंट यहाँ पे दिया है। अभी जैसे आज से ये रीओपन हो चुका है अपना सिस्टम, तो इसके लिए कंपनी ने वो सर्च के लिए आप लोगों को एक स्पीड बोनस यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि भाई आप जैसे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आपको 850 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन एडिशनल 850 पॉइंट कंपनी ने आपको सर्च करने के भी एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो हमको कोई प्रॉब्लम है क्या दोस्तों? बराबर है। पहले कंपनी के एप्लीकेशन थोड़े बहुत नीचे, सभी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है दोस्तों, खाली हमको सर्च करना है, वो सर्च का ही पैसा कंपनी आपको देती है, क्योंकि जितना ज्यादा सर्च होगा उतना वो एप्लीकेशन का वैल्यू बढ़ता है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है दोस्तों। आपको नाम से सर्च नहीं करना है क्योंकि उसका पैसा कंपनी को मिलता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन सर्च से अपना जो उद्देश्य है, जिस एप्लीकेशन का अपना जो काम है उसको प्रमोट करना है पहले नंबर पे ऊपर, तो वो सर्च करके ही ऊपर आना चाहिए, यही कंपनी का पहले सोच था। तो लोगों ने बहुत से पहले, सब लोगों ने खाली नाम से सर्च कर दिया है, उसका ज्यादा कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा है दोस्तों, इसलिए कंपनी ने वो नाम हटा दिया है। आपको कंटेंट से ही आपको सर्च करना है, उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है दोस्तों, 3 मिनट में ही एक एप्लीकेशन आपका डाउनलोड करके आपको उसके अगेंस्ट में 1.70 रुपए कंपनी यहाँ पे देती है। अभी ये जो ऑफर चल रही है कंपनी की तरफ से कि भाई आप 850 पॉइंट आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं, अभी 1000 पॉइंट इक्वल टू 1 रुपीज, ये कैलकुलेशन अपना है दोस्तों। अभी यहाँ पे कंपनी कहा है कि भाई 850 प्लस 850 यानी कि 1700 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन के पीछे आपको 1.70 रुपए मिलने वाले हैं। ओके, तो ऐसे कंपनी के पास अभी हर एक को कंपनी अभी अपडेट हुआ है आज ही, तो किसी को 5 आ गए हैं, किसी को 7 आ गए, किसी को अभी तक एप्लीकेशन आए नहीं है रीओपन के ओपन के लिए, तो आज शाम तक आ जाएंगे सबको दोस्तों, वो आप एप्लीकेशन कर सकते हो कल के दिन तक। ये 850 का ऑफर चल रहा है दोस्तों, उसके बाद में और 2 दिन तक कंपनी ने वो 400 पॉइंट का स्पीड बोनस रखा है, उसके और 2 दिन के बाद वही 200 स्पीड बोनस होने वाला है, और उसके 2 दिन के बाद वही स्पीड बोनस 100 होने वाला है। यानी 8 दिन का ऑफर कंपनी यहां से रखा हुआ है कि भाई आप थोड़ा सा कष्ट ले, उसका बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा, और हम सब लोग अपने अपनी टीम जितनी बनाई है उनको भी ये सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इस सर्च से अपने एप्लीकेशन को ऊपर लाते हैं दोस्तों, तो उसका वैल्यू बढ़ता है, और जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को होगा। हम यही सोचना है कि कंपनी को जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बने तो हमको भी ज्यादा पैसा मिले दोस्तों। ओके, तो ये डाउनलोड का कंपनी यहाँ पे किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने बोला है कि जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किए हैं उसको डिलीट मत करो। क्यों? क्योंकि अभी आपको कम से कम 100 एप्लीकेशन तो रखना है। अभी आप सब बोलोगे सर हमारे ऐप में स्पेस ही नहीं है, हमारा कितने एप्लीकेशन हमको रखना है। दोस्तों देखो, बिजनेस है, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, बराबर है। अभी आपके पास बहुत छोटा 2 GB का मोबाइल रहेगा तो उसमें ज्यादा ये काम नहीं होने वाला है, आपको कम से कम 50-60-70 एप्लीकेशन रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि रीओपन के लिए कंपनी आपको 100 एप्लीकेशन देने वाली है, और वो एप्लीकेशन जो है दोस्तों जो आपने आपके मोबाइल में डाउनलोड किए हैं वही एप्लीकेशन आपको बार बार भी आ सकते हैं या 1 या 2 बार भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसे एप्लीकेशन को आपको पैसे मिलने वाले, ये ध्यान में रखो। हर एक एप्लीकेशन को जैसे आप रीओपन करते हो तो आपको कंपनी 55 पैसे यहाँ पे देती है, यानी कि 550 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अभी आपको जितने एप्लीकेशन हमने रखे, बहुत से लोगों ने आज मुझे बोला है सर हमने तो बहुत एप्लीकेशन आज डाउनलोड कर दिया तो उसको कल निकाल दिया, आज डाउनलोड कर दिया कल निकाल दिया। दोस्तों देखो, दोस्तों जो एप्लीकेशन आपको पैसे बार बार देने वाला है तो उसको रखने में क्या हर्ज, और रखना ही चाहिए, क्योंकि हम एक प्रमोशनल बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, हमारा काम ही बिजनेस प्रमोशन करना है। तो आपके मोबाइल में कम से कम 400-500 एप्लीकेशन बैठे, इतना डाटा अपने पास होना चाहिए, तभी आप अच्छा खासा पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी लिमिट नहीं देने वाली कंपनी। रीओपन में आपको हर एक 20 मिनट में 10 मिनट के बाद 4-4, 5-5 एप्लीकेशन आने वाले हैं, आप यहाँ से ज्यादा रोज के 50-100 रुपए कमा सकते हो। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो एप्लीकेशन है वो तो होने चाहिए, या आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिलीट करवाने के बाद आपको वो नाम से वापस ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कंटेंट्स भी नहीं देने वाली है।
ओके तो अभी आगे से जो एप्लीकेशंस आएंगे दोस्तों, वो एप्लीकेशंस इमीडिएटली आपको दूसरे दिन या उसी दिन आपको रीओपन के लिए भी आने वाले हैं। तो जैसे भी आप यहाँ से हम डाउनलोड करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, तो वो एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में थोड़ी सी जगह रख के रखो, क्योंकि वो पैसे कमा के देने वाले हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर मेमोरी नहीं है हमारी, हमारे इतना डाटा नहीं है। तो सो वो डाटा जो हम अभी ले रहे हैं किसी कंपनी से कम ₹300 उसको पे कर रहे हैं महीने का। और वो डाटा से आप लोगों को क्या मिलता है दोस्तों, हम तो एंजॉय कर रहे हैं ना, खाली लोगों को प्रमोशन ही कर रहे हैं ना, खाली हम अपना कॉपी पेस्ट का ही जॉब कर रहे हैं ना। कौन सा मोबाइल आप लोगों को पैसे कमा के दे रहा है दोस्तों, कौन सा डाटा आपको पैसे कमा के दे रहा है? कोई नहीं, अपना खाली जेब खाली कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो आपको पैसे कमा, ये प्रोफेशनल समझिए, एक प्रोफेशनल है ये मेरा कि भाई मैं एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए वो दोस्तों देखा जाए तो एक लैपटॉप की जरूरत होती है, उसमें टूल्स की जरूरत होती है, बाहर से बिजनेस लाना पड़ता है। आपको क्या है यहाँ पे घर बैठे बैठे ही सब कुछ मिलने वाला है, तो आपको खाली मोबाइल ही अच्छा होना चाहिए ना, बस उतना आपके पास रहेगा दोस्तों, तो आप यहाँ से लाखों कमा सकते हो। तो मुझे बताए दोस्तों कि जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम मोबाइल से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो एप्लीकेशन भी कम से कम ₹1,00,000 का होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही जाके आप ₹1,00,000 का मोबाइल परचेस कर लीजिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि भाई ये एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है कि भाई जिस से मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए रोज की मिलने वाले हैं, वो टूल कैसा होना चाहिए। आप अपने दिमाग पे जोर देके थोड़ा सा सोच लीजिए, और अभी नहीं आपके पास कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा पैसे कमा के बाजू रख के दोस्तों आप एक ट्रायल कीजिए कि भाई मुझे अच्छा अच्छा एप्लीकेशंस यहाँ पे रखने हैं, अच्छे अच्छे पैसे कमाने हैं, तो मुझे मेरा मोबाइल थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, और वो जरूरत है दोस्तों, जरूरत की चीजें करनी बहुत जरूरत होती है। तो रीओपन के लिए कंपनी आपको बहुत से टास्क देने वाली है, तो रीओपन के लिए आपको हर 10 मिनट में 20 मिनट में ये टास्क आने वाले हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पैसे कमाने वाले हो, यही 55 पैसा आगे जाके बहुत पैसे भी बढ़ने वाले हैं। तो आप रोज का कम से कम 100-150 रुपए यहाँ से कमाने वाले हो। तो मुझे बताइए दोस्तों कि डाटा हम महीने का ₹220 लगते हैं एक महीने का डाटा, क्योंकि ₹719 का प्लान जो आज मार्केट में चल रहा है वो 3 महीने के लिए 84 डेज के लिए रहता है। ओके तो अभी मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि रोज का भी ₹100 आप यहाँ से कमा सकते हो, तो महीने का ₹3,000 हो जाता है दोस्तों। तो डाटा की चिंता मत करो, जितना डाटा जाना चाहता है जाने दो, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के पीछे आपको पैसे मिलने वाले हैं। हर एक एप्लीकेशन आपको डाटा जैसे ही यूज होगा कि उससे ज्यादा डबल पैसे वो डाटा यूज करने से आपको मिलने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर ध्यान देके यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने उस एप्लीकेशन को जैसे डिमांड मिलती है कि भाई ये एप्लीकेशन अपने को प्ले स्टोर के ऊपर आपको रिव्यू देख के ही प्रमोट करना है, तो रिव्यू का भी टास्क आपको आने वाला है। तो वहां पे 750 पॉइंट कंपनी यहाँ पे आपको देती है, तो कभी कभी आ सकते हैं जितने कंपनी को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैसा है जिस एप्लीकेशन को हम प्रमोट करना चाहते हैं उस आदमी ने सोचा कि नहीं यार मुझे रिव्यू भी चाहिए, तो वो रिव्यू के लिए आपके पास आ जाएंगे। समझो ₹1,00,000 का उनका बजट है उस एक एप्लीकेशन के पीछे दोस्तों, तो हमारे पास तो अभी 50-60 हजार लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ओके तो अभी रिव्यू के लिए वो एप्लीकेशन आ जाएगा आपको, तो एक लाख एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी काम कर रही है यहाँ पे समझो, तो ₹1,00,000 आप लोगों में बांटना है। तो जो पहले लेगा उसको मिलेगा, बाद में जो डाउनलोड करने जाएगा तो उसका कोटा खत्म होने के बाद उसको वो एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो जैसे रिव्यू के लिए आता है, रेटिंग के लिए आता है, तो आपको पहला रेटिंग चेक करना है, रोज के रोज डाटा वहां पे चेक करना है, आ गया तो आपका अच्छा है 750 पॉइंट आपको वहां से मिलने वाले हैं। तो कंपनी का थोड़ा सा एक मकसद है कि भाई यहाँ से 150-200 रुपए आप खुद यहाँ पे काम करके कमा सकते हो, घर बैठे बैठे 100-200 रुपए का अर्निंग यहाँ से होने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अभी कंपनी की तरफ से 50-60 रुपए का काम आपको अभी मिल रहा है दोस्तों, अभी खाली आपको खुद काम करके पैसे ज्यादा मिलेंगे। क्या कंपनी कितने भी सोचेगी 100-200 सर्वे आने के बाद हर एक सर्वे के ऊपर आपको 50-100 रुपए मिलने वाले समझो, वो ₹300 हो गया, ऐड करने का ₹100 मिल गया, 400 हो गया, ₹500 हो गया, यानी कि हर एक आदमी मैक्सिमम ₹500 यहाँ से कमा सकता है खुद अर्निंग करके, यानी खुद अपना एप्लीकेशन को कंपनी का काम जो ऑनलाइन दिया गया उससे ज्यादा से ज्यादा ₹500 कमा सकता है, यानी मंथली कितना हो जाएगा 15,000 का जॉब यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली। ओके लेकिन अभी 15,000 आपको कमाने, जिन लोगों को ज्यादा कम पैसे कमाने हैं तो वो पैसे कमा सकते हैं क्या? यहाँ पे उसको लिमिटेशन आ गई। जैसे हम जॉब करते हैं, अभी जॉब जैसे हम 8 घंटा करते हैं तो आपको अभी समझो
30,000 रुपए की सैलरी वहां पे मिल रही है, बराबर है। लेकिन आपको और एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है तो आप क्या करोगे दोस्तों? तो और किधर तो भी आप जॉब ढूंढेंगे। अभी और 4 घंटा जॉब करोगे तो और 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी आज 8 घंटा हम जॉब कर रहे हैं, उसके बाद 4 घंटा पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो 16 घंटा तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, 12 घंटा हो गया। अभी और कहीं पे भी हम काम करते हैं तो क्या होगा, और इनकम बढ़ेगा। यानी कि इनकम की एक डेफिनेशन है दोस्तों कि आप जितना टाइम दोगे उतना इनकम आपका बढ़ता है, बराबर है। आप जितना टाइम दोगे उतना आपका इनकम बढ़ता है। लेकिन हमारे पास तो 24 घंटा है, उसके लिए भी लिमिट है, बराबर है। तो 24 घंटा ज्यादा से ज्यादा हम काम कर सकते हैं तो मुझे कितना मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50-60-70 हजार ही। तो मेरा भी वहां पे लिमिटेशन आ जाता है, भाई मैं 1 लाख रुपए कभी लाइफ में कमा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास 24 घंटा ही है, मेरा एजुकेशन उतना ही है, मैं इतना ही ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता हूं, तो मुझे 1 लाख रुपए कमाने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की सोच हो चुकी है दोस्तों, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक गलत फहमी से आप लोगों को निकालना चाहता हूं कि आप जहां पे भी काम करते हो वहां पे भी आपके ऊपर कोई बॉस बैठा हुआ है, कोई मैनेजर रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, ओके? आपसे ज्यादा उसको सैलरी है कि नहीं दोस्तों? है, क्यों? क्योंकि वो आपको हैंडल कर रहा है। अभी सुपरवाइजर के नीचे कम से कम 50-100 लोग रहते हैं दोस्तों, बराबर है। तो आपका सैलरी समझो 30,000 रुपए है, तो सुपरवाइजर का कम से कम 45-50 हजार रुपए सैलरी देता है। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों से काम करवा के लेता है, 50 लोगों से काम करवा के लेता है। अबे वो खुद को तो 8 घंटा काम करता है, लेकिन वो 100 लोगों का भी उनको 8 घंटा काउंट किया जाता है। इसलिए सुपरवाइजर क्या करता है, उसका इनकम ज्यादा बढ़ जाता है। आप तो 8 ही घंटा काम करते हो, लेकिन वो सुपरवाइजर के नीचे 100 लोग रहेंगे, वो तो 100 लोग × 8 करेंगे, तो 800 घंटा वो आपका सुपरवाइजर काम करता है, इसलिए उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। अभी उसके ऊपर मैनेजर है, उसके नीचे 10 सुपरवाइजर है दोस्तों, तो 1,000 लोगों को वो हैंडल करता है मैनेजर। अभी 1,000 × 8 घंटा काम करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8,000 घंटा वो काम कर रहा है, इसलिए उसका सैलरी जो है वो 1-1.5 लाख रुपए तक की होती है। उसके ऊपर सीईओ है, वैसे उसके 10 कंपनियां है, तो एक कंपनी में समझो 1,000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसके 10 कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, वो 10,000 लोग उनके सैलरी के लिए काम कर रहे हैं 8 घंटे तक दोस्तों, तो वो मालिक के लिए वो 80,000 घंटा काम हो रहा है दोस्तों, इसलिए उसका सैलरी आपसे ज्यादा है, उसका इनकम आपसे ज्यादा है। हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं है, तो भैया हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो कंपनी यही एक प्लेटफॉर्म आपके सामने रखा है भाई, कि आपको कंपनी बोल रही है कि आप नेटवर्क बना के यहाँ पे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अभी आपको करना क्या है, जैसे आपके फ्रेंड आपको बताए भाई एक अपॉर्चुनिटी है, 150 रुपए आप रोज की यहाँ पे अपना खुद का काम करके घर बैठे बैठे आपके मोबाइल के ऊपर काम करके कर सकते हो, बराबर है। तो आपने खुद के लिए 50 रुपए के लिए आप तो जुड़ गए हो, या अपने फ्रेंड के लिए जुड़ गए हो? नहीं, उसने तो बताया भाई देख रोज का 10-20 रुपए आप यहाँ से कमा सकते हो, क्या करना है तो 10 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, रिव्यू करना है, ये करना है, तो आपको 20-25 रुपए आराम से मिल जाएंगे, मैंने कहे 500-1,000 रुपए आपको मिल सकते हैं, बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप अपना एप्लीकेशन यहाँ पे ढूंढोगे, सर्च करोगे, पॉइंट इकट्ठा करोगे, बाद में विड्रॉल करोगे, आपका पैसा तो चालू हो गया, ओके। लेकिन ऐसे ही जरूरत बाहर के बहुत लोगों को है दोस्तों, आजू बाजू के लोगों को सोचो, सर्च करो किसको इनकम की जरूरत नहीं है। अरे मैं टाटा के पास भी जाऊंगा या अंबानी के पास जाऊंगा, उनको भी ये प्लान बताऊंगा तो वो भी बोलेंगे यार मुझे भी ये काम करना है, क्योंकि इनकम किसको नहीं चाहिए सर, सबको इनकम चाहिए। तो टाटा बिल्डरों को भी जरूरत है, तो हम तो उससे तो ऊपर नहीं है, हमको भी जरूरत है पैसे की, बराबर है। तो आजू बाजू के लोगों को भी पैसों की जरूरत है, तो आप उन लोगों को प्रमोट कर सकते हो, उनको बता सकते हो और अपनी टीम खड़ी कर सकते हो। आज की पेपर में ये देखा जाए तो रिलायंस के पास आज 18 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसका नेटवर्क 45 करोड़ लोगों का बन गया है दोस्तों, कि जो जियो का कार्ड यूज करते हैं। अबे 18 लाख लोग उसके लिए काम करते हैं, टाटा के पास 15 लाख लोग हैं जो जॉब करते हैं दोस्तों, और यहां से जो भी इनकम बन रहा है उनका ज्यादा बन रहा है। तो हर एक के पास नेटवर्क है दोस्तों, उसी नेटवर्क से ही लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते हैं। यानी कि नेटवर्क यानी कि क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर टाइम, आप अपना टाइम जितना गुना बढ़ा सकते हो उतना आपका इनकम उतना ज्यादा बढ़ने वाला है, ओके? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भाई कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी कि क्या हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं। अभी आपको इनकम की जरूरत है, हाँ है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास नेट है, नेट है। अभी आपके पास टाइम है क्या, है, सुबह से शाम तक। अभी हम रात को 12 बजे तक गुड नाइट का मैसेज छोड़ने के बाद ही सोते हैं,
सुबह उठते तो पहला मोबाइल देखते हैं भाई, किसने किसने भेजा है, मैसेज भेजा है, कॉपी पेस्ट करके दूसरे ग्रुप में भेजना है, बराबर अपना काम तो वही चलता है। अभी इसमें ही कंपनी सोचती है कि भाई मेरा थोड़ा सा काम करोगे आधा एक घंटा तो आपको भी इनकम होगा। तो हम जैसे खुद के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, वही प्लान हम उन लोगों को बताएंगे कि भाई तू भी पैसे कमा सकता है। हम तो रेफर तो करते हैं कि नहीं, अभी सेल लगा है तो हम बोलते हैं भाई यहाँ पे जाओ, अच्छा सेल लगा है, बराबर है ना। इस होटल का नाम उनको बता देते हैं, पिक्चर का मूवी का नाम बता देते हैं, साड़ी का भी जो दशहरा दिवाली है वहां पे हम शॉपिंग करते हैं तो उस शॉप का नाम अपने फ्रेंड को सजेस्ट करते हैं, भाई यहाँ पे जाओ अच्छा माल मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन उससे अपने को क्या बेनिफिट है दोस्तों, हम प्रमोशन तो करते हैं। अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा प्रमोशन करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो हम बोलेंगे यार कैसे करूं, किसको ढूंढूं, किसको बताऊं, ये अपने नखरे चालू हो जाते हैं, बराबर है। लेकिन दोस्तों मैंने एक थीम यूज किया है कि जिसको भी पार्ट टाइम अर्निंग की जरूरत है वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है, हमको किसी के घर में जाके उसे जॉब नहीं करवाना है, काम नहीं करवा के लेना है, उसको थोड़ी सी आदत डालनी है, पर एक बार सिखाना है उसको कैसे करना है, वो ऑटोमेटिक रोज की रोज करता रहेगा, बराबर है। तो हमको क्या करना है कि वो अपना जो थीम है वो थीम को थोड़ा सा कन्वर्ट करके अपने फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इसके ऊपर आपको उसको प्रमोशन करना है। भाई जिसको भी पार्ट टाइम जॉब चाहिए, आधा एक घंटा मोबाइल के ऊपर आप काम करके रोज का 50-100 रुपए कमा सकते हो, महीने का 3,000 से 5,000 रुपए आपको मिल सकता है। एक छोटा सा एड आपने डाल देता हो तो कम से कम 10-15 लोग आपको ढूंढेंगे। और ये कहाँ पे डालना है मालूम है, ग्रुप नेट डालना है, स्टेटस पे रखना है दोस्तों, फेसबुक के स्टेटस पे रखना है, स्टोरी पे रखना है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखना है, और यहाँ पे दिखाना है देख मुझे आज 50 रुपए का इनकम हो गया, मुझे 100 रुपए का इनकम हो गया। क्योंकि आपको सर्च करने वाले बहुत लोग होते हैं, आप जो करते हो वो आप कहाँ पे दिखा देते हो, अपने स्टेटस के ऊपर दिखा देते हो, आप कहाँ पे होटल पे जाते हो खाना खाने के लिए वहां से सेल्फी निकालते हो और डाल देते हो, मैं आज इस होटल में खाना खाने विद फैमिली गया था, मैं फ्रेंड के साथ गया था, मैंने इस गाड़ी को आज देखा है, उसके साथ मैंने फोटो निकाला है, बराबर है। तो हम यह क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को फॉलो कर रहे हैं, और वो फॉलो कहाँ पे करते हैं लोग, अपने स्टेटस के ऊपर फॉलो करते हैं। तो अपना एडवर्टाइजमेंट वहां पे करो फ्री में कि भाई देख मैं ये पार्ट टाइम जॉब करके रोज का 50-60 रुपए कमा रहा हूँ, आपको भी चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर। बस वो 8-10 दिन देखेगा, रोज के रोज वो देखता है, सर्च करता है, आप रोज के रोज स्क्रीनशॉट डालो, आज का 50 रुपए हो गया, आज का 40 रुपए मिल गया, आज का 60 रुपए मिल गया, आज का 100 रुपए मिल गया, एक हफ्ते तक कंटिन्यू आप अपना स्क्रीनशॉट इनकम का डालते रहोगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक वो 8वें दिन आपको पूछता हुआ ढूंढता हुआ चला आएगा, बोलेगा यार रोज का तो 50 रुपए मैं देख रहा हूँ, आज हफ्ते का कम से कम 1,000 रुपए तुमने कमाया है, मुझे भी कुछ आइडिया दो ना। ले पूछने के लिए आपको खुद को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बराबर है, तो एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दो दोस्तों, तभी लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। अभी उसको ही मालूम नहीं आप क्या कर रहे हो तो आपको क्या पूछ के आएगा कि भाई आप ये काम कर रहे हो क्या, मुझे आपके साथ जुड़ना है, नहीं। आपको खुद को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको लोग ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ भाई, कि भाई समझो आपके आजू बाजू के आपने 10 लोगों को यहाँ पे प्रमोट कर दिया है, यानी कि 10 लोगों को आपको आपने बता दिया है कि उनको सिखा दिया है कि भाई देख ऐसे ऐसे मैं रोज के 50 रुपए कमा रहा हूँ, 10 रुपए कमा रहा हूँ, तो तू भी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करके 10 रुपए मिनिमम कमा सकता है। अभी मैं 10 रुपए का ही कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, बहुत छोटे अमाउंट है 10 रुपए, लेकिन वो बढ़ के जाने वाली है महीने का 4 करोड़ रुपए तक की। दोस्तों हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन ज्यादा पैसे के चक्कर में हम छोटे पैसे को भूल जाते हैं, छोटे काम को भूल जाते हैं। 1 रुपया जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, 85 पैसे 70 पैसे, 1 रुपया 70 पैसे, बराबर है ना। तो ये 1 रुपया जो है ना दोस्तों, यही बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि 1-1 रुपए से बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ओके, तो आपको ये 1 रुपया जो मिलने वाला है दोस्तों, वही मैं बताने वाला हूँ कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलने, यानी कि आपने जिस अभी 10 आदमी को आपने बता दिया है, एक ही बार आपको बताना है कि भाई ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है, ऐसे ऐसे डाउनलोड करके रखो, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को ऐसे डाउनलोड करके आप पैसा कलेक्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे विड्रॉल हो सकता है, आप विड्रॉल करके देखो। उसके अकाउंट में पैसा आने के बाद दोस्तों उसको सिखाने की जरूरत है क्या? अभी तक आपने कहते सुना है कि मोबाइल सिखाने के लिए भी क्लासेस ओपन हो चुके हैं, स्कूल ओपन हो चुके हैं? नहीं दोस्तों, ये ऑटोमेटिक सीखते हैं लोग, बराबर है। उनको खाली एक बार उनको बताना है कि भाई ऐसे ऐसे डाउनलोड एप्लीकेशंस करना है, तो आपको खाली एक आदमी जोड़ने को आधा घंटा लगेगा, मैं तो बोल रहा हूँ दोस्तों 1 दिन लगेगा, बराबर है। आपको खाली 10 लोगों को जुड़ा है, 10 दिन का काम है दोस्तों, कि जैसे हम 10 लोगों को 10
दिन में जुड़वा देते हैं, हर एक आदमी को एक ही दिन में उसको पूरा समझा के, उसको पूरा सिस्टम थ्योरी, उसको विड्रॉल दिखा के हमको उसको छोड़ देते हैं, दूसरे दिन उसको फॉलो अप करते हैं, दूसरे दिन दूसरे आदमी को जुड़वा देते हैं, दूसरे तीसरे दिन दो लोगों को फॉलो करते हैं, तीसरे दिन तीसरे आदमी को जुड़वा देते हैं, ऐसे खाली 10 दिन आप करते हो तो दोस्तों आपको लाखों रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सिस्टम से जाना पड़ेगा, आपको उसको इतना ही बनाना है भाई, 10 रुपए कमा पहले बस, बाकी कुछ ज्यादा मत करो। हम ये 10 रुपए के पीछे लाखों रुपए छूट जाते हैं दोस्तों, लाखों रुपए देखने से 10 रुपए छूट जाते हैं, लेकिन स्टार्ट तो यही से होने वाला है, 1 रुपए से ही स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। लाखों रुपए कब होंगे, 1 के ऊपर जितने 0 लगेंगे उसका वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन पहले 1 तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको, बराबर है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई 10x10 का एक मैट्रिक्स प्लान यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया पड़ी है। अभी आपके इंडिया में, हमारे इंडिया में बोल रहा हूँ दोस्तों, कि 70 करोड़ लोगों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। अभी 70 करोड़ लोगों में कितने लोगों को पैसे की जरूरत है, सबको है, बराबर है। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि उसमें से मैंने खाली 10 लोगों को चुनना है, वो 10 लोगों को सिखा के मार्केट में छोड़ना है, भाई तुम्हारे भी तुमको 10 लोगों करने हैं। अभी जैसे मैंने 10 लोगों को जुड़वा दिया है, हर एक आदमी ने खाली 10 रुपए का काम कर दिया दोस्तों, तो हर एक को 10 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए कंपनी के तरफ से 10 लोगों को डिवाइड करके दिए जाएंगे, लेकिन 100 रुपए का बिजनेस कंपनी की तरफ से आपके तरफ से हो जाएगा, तो वो टोटल वॉल्यूम के 25% इनकम कंपनी आपको देती है। यानी आप खुद के तो 10 रुपए कमा रहे हो, लेकिन आप जैसे 10 लोगों को जुड़वा देते हो तो आपको 25 रुपए आने वाले हैं, और ये है पैसिव इनकम। यानी मैंने आपको पहले बता रहा कि जो अकेले काम करता है वो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए कमाएगा, मैक्सिमम 500 रुपए कमाएगा, लेकिन टीम के साथ काम करेगा तो वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। यानी आप जो इनकम ले रहे हो दोस्तों 10 रुपए का, लेकिन आपने 10 लोगों को जुड़वाने के बाद वो जो 10 रुपए कमाएंगे, हर एक आदमी के पीछे आपको 2.5 रुपए मिलने वाले है, और वो एक दिन के लिए नहीं, वो बार बार मिलने वाले है, वो रोज करने वाले है, वो रोज 10 रुपए कमाएंगे आपको, रोज 2.5 रुपए देंगे, वो रोज 10 रुपए कमाएंगे आपको, रोज 2.5 रुपए मिलेगा दोस्तों, वो आगे जाके 50 रुपए कमाएगा तो आपको 12.5 रुपए मिलने वाले है। जैसे कि जितना भी वो इनकम जनरेट करेगा, जितना वो 500 रुपए समझो उसने आज कमा दिए दोस्तों सेल के, तो 500 रुपए के 25% आपको मिलने वाला है इनकम उस दिन का। यानी हर एक 24 घंटे में जितना भी वो लोग काम करेंगे उसका 25% आपको फर्स्ट लेवल पे मिलता है। यहाँ पे कंपनी लेवल वाइज प्लान किया है कि आप कितने लोगों को जोड़ सकते हो, 70 करोड़ लोगों को तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन कंपनी का टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड में 100 करोड़ लोगों को जुड़वाना है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, 100 करोड़ लोगों तक आपको पहुंचना है। तो अभी 100 करोड़ को तो डायरेक्ट कंपनी तो जोड़ नहीं सकती, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेफर प्रोग्राम बना दिया, भाई आप 10 लोगों को जुड़वा दो, और वो 10 लोगों को खाली इतना ही बता दो भाई तुम भी तुम्हारे 10-10 लोगों को जुड़वा सकते हो। तो फर्स्ट लेवल पे मैंने 10 लोगों को जुड़वा दिया था, उसके 100 रुपए इनकम हो गया, मुझे 25 रुपए इनकम हो गया। सेकंड लेवल पे ऊपर वही 100 लोग क्या करेंगे, उनके 10-10 लोगों को जुड़वा देंगे, तो आपकी टीम बन जाएगी दोस्तों 100 लोगों की। वही 100 लोग क्या करेंगे, 10 रुपए का इनकम कमाएंगे तो 1000 रुपए का इनकम होगा, 1000 के ऊपर कंपनी आपको 10% देती है। अब यहाँ पे रिड्यूस इनकम हो रहा है लेकिन टीम तो बढ़ रही है, 10 गुना टीम बढ़ रही है दोस्तों। तो वही 1000 के ऊपर 10% भी मिल जाता है तो भी कंपनी आपको 100 रुपए देती है दोस्तों। यानी कि 110 लोगों के बीच आपको 125 रुपए के इनकम चालू हो गए दोस्तों। ओके, अब ये पैसिव इनकम है। आपके फ्रेंड के फ्रेंड काम कर रहे हैं, उन्होंने भी 10 रुपए कमाए तो आपको 1 रुपए मिल रहा है दोस्तों। अभी उनकी आपकी पहचान है क्या, नहीं है, इसी को तो बिजनेस कहते हैं दोस्तों। ये बिजनेस माइंडेड लोगों को ही पता चलता है कि भाई मैं पैसिव इनकम कहां से कमा सकता हूं। वही 100 लोग क्या करेंगे आगे जाके, उनको भी वही अपॉर्चुनिटी है जो आपने किया था, आपको खाली डुप्लीकेट करना है। भाई आप भी आपके बाजू के नजदीक के 10 लोगों को जुड़वा सकते हो तो ऑटोमेटिकली 1000 लोगों का टीम बनेगा थर्ड लेवल के ऊपर। वो भी 10 रुपए कमाएंगे, वो भी उनको ही 10 रुपए कमाने कैसे कमाने वो बताएंगे, तो ऑटोमेटिक 1000 × 10 10000 रुपए के इनकम होगा, उसके ऊपर कंपनी आपको 5% देती है। थर्ड लेवल के लोग जितने काम करेंगे उनके इनकम के ऊपर 5% आपको, यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे 10000 के ऊपर 5% से 500 रुपए उस दिन आने वाले हैं। अब एक ही दिन आएंगे क्या, वही 1000 लोग तो रोज के रोज काम करेंगे, बराबर है, तो रोज आपको 500 रुपए मिलेंगे। 100 लोग रोज काम करेंगे, रोज वहां पे आपको 100 रुपए मिलेंगे। पहले अपने 10 लोग हैं वो रोज काम करेंगे, उसके ऊपर भी आपको 25 रुपए मिलेंगे। यानी कि ये टोटल मिला के समझो 625 रुपए आपको मिलने वाले हैं। ओके, पर डे का चालू हो गया दोस्तों।
उसके बाद जैसे हम वही 1,000 लोग 10-10 लोग को जुड़वा देंगे तो चौथे लेवल पे ऊपर 10,000 लोग बन जाएंगे, इंटू 10 रुपए की इनकम करेंगे तो 1,00,000 रुपए की इनकम हो जाएगा। 1,00,000 के ऊपर कंपनी 4% आपको देती है, यानी कि 4,000 रुपए उस दिन का आएगा। अभी आप पहले वर्कर थे, उसके बाद सुपरवाइजर बन गए, आपके नीचे 10 लोग की टीम बन गई, बराबर है। उसके बाद आप मैनेजर बन गए हैं, उसके बाद आपकी 1,000 लोग की टीम बन गई है, अभी हम सीईओ बनेंगे, वैसे करते करते एक बार हम इस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। ओके, तो जैसे ही वो 10,000 1,00,000 यानी कि 4,000 रुपए पर डे यानी महीने का 1,25,000 रुपए यहाँ भी इनकम स्टार्ट हो गया। उसके बाद पांचवें लेवल पे क्या होगा, वही चौथे लेवल के 10,000 लोग अपने 10 लोगों को जुड़वा देंगे तो अपना 1,00,000 लोगों का टीम बन जाएगा। 1,00,000 × 10 रुपए कमाएंगे तो 1,00,000 रुपए की इनकम हो जाएगा। वहां पे कंपनी आपको 3% देती है खाली, तो 330,000 रुपीज पर डे, 30,000 ऊपर के 4,000 ऊपर के 625 यानी कि 34,625 रुपए उस दिन का इनकम हो गया दोस्तों। महीने का कम से कम आपको हो गया 1,00,000 रुपए। सोचो 1,00,000 रुपए महीने कमाने के लिए आपके नीचे कितने लोग हैं, 1,00,000 लोग बन गए दोस्तों। तो 1,00,000 लोग जो है जिस नीचे आएंगे दोस्तों, तो उसका तो इनकम पर डे का कम से कम 30,000 से 40,000 50,000 रुपए पर डे कमा सकते हो। 1,00,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा आप यहां से ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन किसके बदौलत दोस्तों, टीम वर्क के बदौलत ही कमा सकते हो। छठे लेवल पर वही 1,00,000 लोग क्या करेंगे, 1,00,000 लोग क्या करेंगे, 10 लाख 10 लोगों को जोड़ देंगे तो 1,00,000 लोगों की टीम बन जाएगी। 1,00,000 लोग 10 रुपए कमाएंगे तो 1 करोड़ रुपए की इनकम होगा। 1 करोड़ के ऊपर कंपनी 2% आपको देती है, 2% देती है, यानी कि 2,00,000 रुपए आपका इनकम होगा दोस्तों पर डे का। 2,00,000 पर डे यानी कि 60,00,000 रुपए आपका महीने का इनकम यहाँ पे चालू होगा दोस्तों। उसके बाद सातवां लेवल पे वही 1,00,000 लोग 10-10 लोगों को जोड़ देंगे तो 1 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। 1 करोड़ लोग इंटू 10 करेंगे तो 10 करोड़ रुपए का इनकम हो जाएगा नीचे वालों लोगों का, तो वो 10 करोड़ का 1% भी मिलता है तो 1,00,000 रुपए कंपनी उस दिन आपका इनकम हो जाएगा दोस्तों। टोटल सब सात लेवल का इनकम मिला के देखते हैं तो 1,43,34,625 रुपए आपका एक दिन का इनकम होगा, यानी कि 4 करोड़ रुपए तक आप मंथली जा सकते हो। अभी आप बोलोगे 1 करोड़ लोग मैं कहां से लाऊं, आपको नहीं लाना है दोस्तों, आपको 10 ही लोग लाना है, हर एक को 10 ही लोग लाना है, और यही नेटवर्क ही बनता है, बराबर है। आप बोलेंगे मैं तो किसी को नहीं बता सकता, तो नेटवर्क कैसे बनाएंगे, आप खुद नेटवर्क बना रहे हो। हम दो हमारे दो, आपके अभी माता पिताजी ने वही किया था, आपके दादाजी ने भी वही किया था, आपके पुरखुज ने भी वही किया था, तभी तो अभी भारत की लोक संख्या जो है 140 करोड़ तक पहुंच गई दोस्तों, ये नेटवर्क से ही खड़ा हो गया है ना। तो नेटवर्क तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं बनाना चाहता हूं तो नहीं बनता है दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई नेटवर्क से मुझे पैसे आने वाले हैं, यहाँ पे किसी का लॉस नहीं होने वाला है, मैं किसी का लायबिलिटी नहीं लेने वाला हूँ। भाई आपको घर बैठे बैठे काम करने वाला है हो, आपको मुझे किधर जाने की जरूरत नहीं, मुझे ऑफिस डालने की जरूरत नहीं, मुझे कोई ऑफिस टाइमिंग लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। भले भी 1 महीने के लिए बीमार पड़ गया तो ये 1 करोड़ लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी बीमार पड़ गया और मैं जॉब पे नहीं चला गया तो अगले महीने मुझे सैलरी नहीं मिलने वाली है। ये डिफरेंस है बिजनेस में और सर्विस में दोस्तों, ये सोचो। तो ये समझ के आप जो काम करोगे, बिजनेस करना चाहते हो, तो ये बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बन चुका है कि भाई ये आगे जाके आपको बहुत बड़ा काम देने वाला है। मैंने यहाँ पे खाली कैलकुलेशन 10 रुपए का बताया है, लेकिन आगे जाके कंपनी 500 रुपए तक हर एक आदमी पैसे कमा सकता है, तो कितना गुना हो सकता है दोस्तों। समझो 10 के बजाय 20 रुपए भी लोगों ने कमाना स्टार्ट कर दिया तो भी ये आपका इनकम 1,200,000 से 2,400,000 तक चले जाने वाला है। लोगों ने समझो 50 रुपए कमा दिया दोस्तों, तो आपका इनकम 72,00,000 रुपए तक चले जाना है पर डे का दोस्तों। तो मैं सोचो हम यहाँ पे 1 करोड़ रुपए पर डे कमा नहीं सकते क्या, इसके लिए मुझे नॉलेज की जरूरत है क्या, इसके लिए मुझे ऑफिस की जरूरत है क्या दोस्तों, इसके लिए कुछ करने की जरूरत क्या है। तो आपको क्या चाहिए, तो आपको खाली एक हैंडसेट अच्छा चाहिए कि हम यहाँ से 1 करोड़ रुपए पर डे कमा सकते हैं, तो आपका टूल कैसा होना चाहिए इसके बारे में सोचो जरा थोड़ा सा कि भाई आगे जाके 1 करोड़ रुपए मुझे मिलने वाले हैं तो मैं इस मोबाइल के साथ इतने पैसे कमा सकता हूँ क्या, क्योंकि आपकी टीम भी बहुत बढ़ने वाली है, आपको भी वहां पे जूम मीटिंग लेनी पड़ेगी, सब कुछ लेना पड़ेगा दोस्तों। आगे जाके जो हम कर रहे हैं वो आपको भी करना है, क्योंकि पैसा ऐसे ही नहीं आता। हमें पैसे क्यों कमाना है,
इसके ऊपर मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई आपका टारगेट होना चाहिए, आपको अंदर से जलन होनी चाहिए कि मेरे खानदान में अभी तक कितने किसी ने भी इतना पैसा नहीं कमाया, उतना मुझे पैसे कमाना है। मेरे खानदान में किसी ने भी इतना अच्छी गाड़ी नहीं ली है, वो गाड़ी मुझे परचेस करनी है। मेरे खानदान में किसी का भी इतना बड़ा घर नहीं है, उतना घर मेरा होना चाहिए। जिसको भी ये अंदर से आग लगी है ना दोस्तों, ये बिजनेस करने वाला है, ये नेटवर्क करने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना पड़ता है। अब यहाँ पे खोना क्या है, तो आपको यहाँ पे 3 महीने तक, 90 दिन तक आपको अपनी शादी, बाहर की शादी, बाहर के प्रोग्राम, सब कुछ भूल जाना है दोस्तों। 3 महीने तक आपको बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है। बस 3 महीने तक लगाते रहो कि रोज को एक आदमी को मैं जोड़ना चाहता हूं, बस इतना ही छोटा सा काम रोज की रोज करो। जो काम कर रहा है दोस्तों वो थोड़ा सा ऐसा हटके करो कि भाई एक दिन भी मुझे ये नहीं होगा, 90 डेज तक मुझे काम करना है। बस रोज में 90 दिन तक, यानी कि 100 लोगों तो मैं जोड़ सकता हूं कि नहीं। आज की तारीख में एक आदमी ने 1350 लोग डायरेक्ट जोड़ दिए दोस्तों, ये भी 40 दिन के अंदर। बराबर, इतना बड़ा प्रमोशन उन्होंने किया है, तो मैं कम से कम 100 लोग तो जोड़ सकता हूं दोस्तों। रोज का एक मैंने जोड़ना स्टार्ट कर दिया तो 90 दिन के अंदर मेरे 100 लोग हो जाएंगे। और यही सब लोगों को मैंने यही बता दिया कि भाई तू भी रोज एक आदमी को ही जोड़ना है, ज्यादा नहीं जोड़ना है। तो वो भी टीम बढ़ते बढ़ते दोस्तों आने वाले 4-5 महीने के अंदर आपका टीम 5 करोड़ के नीचे नहीं होगा दोस्तों। और ये जो इनकम मैं दिखा रहा हूं इसका कितना गुना होने वाला है आप भी नहीं समझते। अभी इतना पैसा है कि नहीं है, आप कैलकुलेशन करोगे दोस्तों तो इतना पैसा है। क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के पीछे कंपनी ने 10 से 12 रुपए ही बांटे हैं, हर एप्लीकेशन के पीछे 50 से 60 रुपए 100 रुपए मिलते हैं दोस्तों। और इनकम बहुत आगे जाके बढ़ने वाला है, तो अपना जो शेयर है वो 90% कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो पूरे वर्ल्ड का एडवर्टाइजमेंट का जो फंड है दोस्तों वो अपने पास खींच के कंपनी अपने में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा नेटवर्क में ध्यान देके, लाइफ टाइम तक का बिजनेस आपको चाहिए तो ऑटोमेटिक यहाँ से हम बहुत बड़ा इनकम कमा सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का अभी पेटीएम का है, यहाँ पे अभी अपडेट हो रहा है दोस्तों, पीपीडी भी अपडेट हो जाएगी, गूगल पे फोन पे भी आ रहा है, अपना बैंकिंग का भी डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर भी आने वाला है दोस्तों। तो ये आपको इनकम यहाँ से मिलना चालू हो जा रहा है। अभी गूगल पे फोन पे जो है वो टेस्टिंग मोड पे है, क्योंकि बहुत से लोगों ने गलत UPI ID डाले है, उसका करेक्शन चालू है। तो यहाँ पे कंपनी बहुत अलग अलग है, अमेजोन के किसने डाल दिए हैं, जो अलग अलग UPI वो भी डाल दिए लोगों ने। तो उसका सर्वर का सबका कनेक्टिंग चालू है दोस्तों। अभी एक बार सब सर्वर कनेक्ट हो गए, सब UPI कनेक्ट हो गए तो हम ऑटोमेटिक करने वाले हैं। तो ऑटोमेटिक आपको ये इनकम एक दिन के ही अंदर आएगी। अभी कंपनी ने 5 दिन का साइकिल रखा है कि आपको रोज के रोज यहाँ पे विड्रॉल डालनी है, 5 दिन के बाद रोज का रोज आपका विड्रॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पेटीएम के ऊपर तो इंस्टेंट विड्रॉल लोग ले रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कंपनी कम से कम 15 से 16 लाख रुपए रोज का डिस्ट्रीब्यूट कर रही है दोस्तों। एक महीने में कंपनी कम से कम आज 4 करोड़ से भी ज्यादा पैसा बांटा हुआ है। एक आदमी से भी ना पैसे लेते हुए कंपनी ने आज तक कम से कम 4 करोड़ रुपए बांटा है दोस्तों। इतना बड़ा सोच कंपनी का, इतना पैसा हम बांट सकते हैं, तो हमको एक मन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा है दोस्तों। एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कुछ मिलेगा रोज का 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए दोस्तों, 1 करोड़ रुपए, ये बहुत कम अमाउंट है, लेकिन यहां तक हम जाने के लिए तैयार है। इसके लिए हमको बिजनेस माइंड होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये USP कंपनी की यही है कि कंपनी खुद एप्लीकेशंस बनाती है, उसको खुद प्रमोशन करती है, और उस प्रमोशन के हिसाब से कंपनी आपको जो पेमेंट देती है वो आपका काम करने से देती है। तो थोड़ा सा इस एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा सा आपको प्यार भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है दोस्तों, जो एप्लीकेशन आपको पैसे कमा के देना है, सबको तो सर्चिंग करना है तो थोड़ा सा टेंशन आता है, लेकिन वही पैसा कंपनी को मिलता है, इसलिए कंपनी हम लोगों को सर्चिंग करने के लिए कहा है। तो कंपनी को जहां से पैसा मिलेगा वही कंपनी हमको काम करने के लिए कहेगी, जो कंपनी कहेगी वो हमको करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे भले फ्री में प्लेटफॉर्म है, लेकिन अपना टाइम तो जा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे जिंदगी बदलने वाला है दोस्तों, ये समझ के काम करो। क्योंकि हम जहां पे भी जाते हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ काम बॉस देता है, वो करते ही कि नहीं दोस्तों, लेकिन वहां से हम एक बार रिटायर होने के बाद आपका बच्चा वहां पे जॉब पे नहीं लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम जैसे रिटायर होंगे या कुछ भी हो सकता है तो अपनी जो फैमिली है उसका नॉमिनेशन यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो ऑटोमेटिक आपने जो अभी काम किया है, आपका जो इनकम रेगुलर बनते जा रहा है, वो आपके बाद आपके नॉमिनी को मिलने वाला है।
तो पहले एक सोच समझ के बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे हम कि भाई यहाँ पे मैं जो नेटवर्क बना रहा हूँ ये लाइफ टाइम तक मेरा बनने वाला है, मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए ये लाइफ टाइम बनने वाला है, जो मैं अभी आज न्यू रख रहा हूँ दोस्तों इसका फायदा आने वाले 3-4 पुस्तक तक होने वाला है, तो क्यों ना ये बिजनेस में स्टार्ट करूं, क्योंकि ये इनकम से आने वाले 3-4 पुस्तियां मेरी इनकम ले सकती है, तो ऐसा बिजनेस मैं करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके तो दोस्तों ये कंपनी की तरफ से भी है 24/7। अभी आज सैटरडे संडे है, मंडे से और एक आपको एप्लीकेशन अपडेट में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि नया अपडेशन क्या आने वाला है, बैंकिंग एप्लीकेशंस आने वाला है, उसमें बैंक अपडेट डायरेक्टली बैंक विड्रॉल भी डाल सकते हो, जिसको गूगल पे फोन पे पेटीएम के इसके प्रॉब्लम्स है, तो जिनको बैंक में डायरेक्टली पैसा लेना है वो भी बैंक में डायरेक्टली पैसा ले सकते हैं। उसके बाद अपना डॉलर का भी स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोग इंटरनेशनल लेवल को लोगों को जुड़वा दिया है उन लोगों का भी पेटीएम गेटवे स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी आप लोगों को बता सकते हो दोस्तों। तो आगे जाके आपको एक बहुत बड़ी टीम बनने के लिए मैं शुभकामना देता हूं, और आज की जो मीटिंग है दोस्तों यहाँ पे शेयरिंग के लिए कुछ है, बहुत से लोग ऐसे है कि जो चाहते हैं कि भाई सर हमारा शेयरिंग लेना है, हमको भी कुछ बात करनी है, थोड़ा सा अपडेट तो मैंने बता दिया है, तो मैं खाली क्वेश्चन आंसर जो है दोस्तों अभी मैं बताना चाहता हूं कि संडे कल अपना ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, अपना ट्रेनिंग सेशन होने वाला है कल, तो कल हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, जो एप्लीकेशन अभी आज 24 घंटे में यानी कल दोपहर तक सब कुछ अपडेट हो जाएगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो क्वेश्चंस आप कल की शाम की मीटिंग में पूछ सकते हो, उसके साथ कल अपने मैनेजमेंट भी अपने साथ रहने वाली है, तो जो भी चेंजेस कंपनी ने किए हैं, क्यों किए हैं, उसका फायदा कंपनी को कैसे होता है, अपने को कंपनी कितना फायदा बढ़ा के देने वाली है, आगे अपडेट्स क्या है, उसके लिए कल की मीटिंग जरूर सुने दोस्तों, और कल की मीटिंग में हम क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने ऑलरेडी नेटवर्क बनाया है उनकी मेहनत क्या रंग लाई है, उन्होंने अभी तक कितना इनकम लिया है इस कंपनी से, और उनको क्या लगता है, उनकी जुबानी सुनने के लिए मैं एक दो लोगों को यहाँ पे इनवाइट करूंगा कि उनको खाली यही बात